हाय गाइस एंड आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। आप सब जानते हैं इससे पहले मैंने जो वीडियो लाया था वो था कि जो डील मैंने GoPro 9 पे मेरे को जो मिला था, सो उस पर बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियंस भी आए। बट एनीवेज अभी हम चलिए बात करते हैं जो मेरे को मेरे व्यूअर्स बहुत बार पूछते हैं कि वो भी मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, वो भी राइडिंग करते हैं, सो उनको भी अपने एक्सपीरियंस कैप्चर करना। ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो राइड करता है उसको YouTube पे ही आना है या हर कोई सिर्फ YouTube के लिए ही अपना वीडियो बनाना चाहेगा। बट अगर आप राइड करते हैं, अगर आपको कुछ अपने मेमोरीज स्टोर करने हैं, सो जब आप अपना व्यू लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों को अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, या तो आपके लिए भी वो अच्छा है, आप उसको प्रिजर्व करें, आप वो वीडियो को रखें अपने पास, एंड बहुत टाइम बाद या कुछ सालों बाद जब आप वापस उसको देखते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर जगह पर गया था एंड ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था, सो आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। एंड एक और चीज़ है, अगर आप एक्शन कैमरा माउंट करके राइडिंग करते हैं, सो बहुत बार कोई आइसोलेटेड जगह पे जाते हैं या बहुत बार अगर आपके सामने कुछ गलत होता है या मिसहैप होता है या कुछ भी होता है, सो एटलीस्ट आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं एज अ प्रूव, एज अ एविडेंस आपके पास हमेशा वो रह जाएगा। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना बार आप राइड करते हैं तो आप एक्शन कैमरा यूज़ करें। बट जो लोग मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, चलिए मैं आज बताता हूँ GoPro Hero 9 के साथ मैं कौन से एक्सेसरीज यूज़ करता हूँ एंड मैं क्या क्या अपने हेलमेट पे सेटअप कर रखा हूँ, सो दैट आई कैन गेट अ गुड फुटेज फॉर माय व्यूअर्स। एंड सेम चीज़ आप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सब एग्जैक्ट आप उसको फॉलो करें, बट कहीं कहीं पर आपको अगर फील हो कि जो आपके लिए नेसेसरी नहीं है आप वो चीज़ नहीं ऐड कीजिएगा या तो नहीं परचेज़ कीजिएगा। बट आई जस्ट शेयर कि मैं कैसा सेटअप यूज़ कर रहा हूँ। सो दोस्तों पहला चीज़ मैं आप सबको बता दूँ, अगर आप GoPro यूज़ करने वाले हैं, ये एक्शन कैमरा ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इस पर इन्वेस्ट कर लिया और आपका खर्चा ख़त्म, ऐसा नहीं है। GoPro के साथ आप प्रिपेयर रहिए कि हमेशा आपके एक्स्ट्रा खर्चे लगने वाले हैं, वेदर इट्स द बैटरी, वेदर इट्स द एक्सेसरीज। आपको बता दूँ GoPro Hero 9 का जो है जो पैक मैंने ख़रीदा उसमें सिंगल बैटरी मिलता है। आप अगर एक राइड में जा रहे हैं तो कभी भी आप सिंगल बैटरी पे डिपेंड नहीं हो सकते क्योंकि इसका बैटरी ड्रेन आउट बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। GoPro इज़ नोन फॉर वीक बैटरी लाइफ एंड जो इससे पहले वाले GoPro थे उसमें तो सिंगल स्क्रीन रहता था, यहाँ पे तो डबल स्क्रीन ऑपरेट करते हैं, सो इसमें तो बैटरी और भी ज़्यादा जल्दी ख़त्म होता है। सो एनीवेज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसके साथ क्या क्या एडिशनल परचेज़ किया है। मैं इसको मोटो व्लॉगिंग का नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट यू विल बी रिक्वायरिंग When you are in a ride, आप अगर वो ride को capture करना चाहते हैं तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। पहला and the most important चीज़ जो मैंने ख़रीदा to start with the moto vlogging part, पहला चीज़ अपने कैमरे को ही ठीक कर लें, which is an additional battery and एक charger. So this is the original GoPro battery, GoPro Hero 9. ये GoPro के और कोई भी सीरीज़ में नहीं लग सकता है, बट GoPro Hero 9 में ही लगेगा। मे बी 9 के बाद 10, 11, 12 जो आएगा उसमें ही compatible हो सकता है, बट फिलहाल 9 के पहले जितने भी 7, 6, 7, 8, 5 उसमें किसी में ये नहीं लगेगा, ये 9 के लिए एक सेपरेट बैटरी आता है। सो आई हैड टू परचेज दिस एंड देन अ चार्जर। ये चार्जर भी आपको अलग ही ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि इसके पहले जो भी बैटरी थे GoPro में वो अलग साइज़ के आते थे, तो ये जो बैटरी ये थोड़ा बड़ा है, सो इसके चार्जर भी आपको अलग ख़रीदना पड़ेगा। दिस इज़ द आफ्टर मार्केट चार्जर, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वो वैसे ही वाले चार्जर हैं। तो इसको लेने का रीज़न यही था कि जब एक कैमरा में एक बैटरी यूज़ हो रहा है तो मीनवाइल मेरे टैंक बैग में या तो मेरे बाइक में या हम कहीं हॉल्ट करते हैं तो वहाँ पे मैं दूसरे बैटरी को भी चार्ज में बिठा के रख सकूँ एज अ बैकअप। फिर दोस्तों आपके लिए ये वाला केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये केस कुछ लोग बोलेंगे कि हमको केस का क्या ज़रूरत है, बट व्हेन यू आर राइडिंग आपके जो ग्रेवल्स ये सब आते हैं वो डायरेक्टली GoPro पे हिट नहीं करे, सो उसके लिए केसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड बाई चांस आपके GoPro बिकॉज वो हेलमेट पे माउंट होते हैं, अगर आपके हेलमेट भी हाथ से गिर जाए या हैंडल पे हमको हेलमेट रखने का आदत होता है उसमें से गिर जाए, सो GoPro डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ अ केस। एंड ये केस का प्लस पॉइंट ये है कि माइक अडेप्टर जो है वो आपका इजीली इसके अंदर यहाँ पर घुस जाता है। ये एक ऑप्शनल आइटम है। अगर आप GoPro में एक्सटर्नल माइक यूज़ करते हैं सो आपको ये माइक अडेप्टर ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप GoPro को सिर्फ इंडोर व्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं या तो आप उसको अपना खुद का व्लॉग करने के लिए यूज़ करते हैं, सो आई डोंट थिंक यू विल रिक्वायर एक्सटर्नल माइक क्योंकि उसका इंटरनल माइक भी काफ़ी अच्छा है। बट अगर आप हेलमेट के बाहर लगाते हैं तो आपको उतना क्लियर ऑडियो नहीं आने वाला है, सो उसके लिए आपका माइक अडेप्टर खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द नेक्स्ट थिंग इज़ द हेलमेट माउंट फ्रॉम द ब्लू आर्मर। आप ये देख सकते हैं ऐसे आपके आफ्टर मार्केट्स में और भी ऑप्शंस आ चुके हैं, बट आई फेल्ट ऑफ बाइंग फ्रॉम ब्लू आर्मर। अमेजोन पे उसके लिंक भी है, इजीली मिल जाते हैं। सो ब्लू आर्मर अगर आप नहीं ऑप्ट करते तो
आई टेल यू द ट्रेडिशनल वे, इनफैक्ट मैं भी वैसा किया हुआ हूँ. पहले मैं क्या करता था, द माउंट विच यू गो गेट विद द एक्शन कैमराज, उसको आप एमसिल दे के या एरल्डाइट दे के या कोई स्ट्रॉन्ग एडहेसिव दे के आप उसको अपने हेलमेट पे डायरेक्ट माउंट करते हैं. बट उसका एक डीमेरिट ये था कि आप हेलमेट स्विच नहीं कर सकते. उसके बाद आया मार्केट में मिलने वाला एक थो ट्रायंगुलर माउंट आता था, विच इज़ विच वॉज अ स्ट्रैप ऑन. उसका एक डीमेरिट ये था कि उसके वजह से आपके वाइजर थोड़े गैप रह जाते थे, खुले रह जाते थे, जिसकी वजह से विंड अंदर जाता था एंड मे बी आपके ऑडियो में भी थोड़े बहुत विंड नॉइज़ आता था. लेकिन हाँ, ये चीज़ है, अगर ये हेलमेट में लग जाएगा सो ये भी हेलमेट में परमानेंट फिक्स रहेगा. बट ये थोड़ा क्लीन दिखता है, थोड़ा स्टाइलिश भी लगता है, ऐसे कुछ ज़्यादा ऑड नहीं लगता है. उसके वजह से आपके वेंट्स जो हैं, माउथ वेंट्स जो हैं, वो कवर नहीं होते हैं. जबकि जो ट्रायंगुलर माउंट जिसका मैं बात कर रहा था इससे पहले, उसके वजह से आपके वेंट्स भी कवर हो जाते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ अ टिकटॉक माइक. मैं इसको टिकटॉक माइक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमेजोन पे ये टिकटॉक माइक के नाम से ही, नॉट टिकटॉक माइक के नाम से, आई मीन इसके डब्बे पे टिकटॉक माइक लिखा हुआ है. टिकटॉक. सो दिस इज अ टिकटॉक माइक. ये माइक इसलिए यूज़ करता हूँ, माइक अगर आपको सिंगल हेड वाला यूज़ करना है, मुआनो का भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको लिंक अमेजोन का नीचे शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में. अगर आपको ये डुअल हेड माइक यूज़ करना है, सो ये यूजुअली स्टॉक में रहता नहीं है, बहुत मुश्किल से स्टॉक में आता है एंड बहुत ही चीप माइक है, इतना भी कोई खास माइक नहीं, बट साउंड जो है आपका, ऑडियो जो है वो बहुत डिसेंट रिकॉर्ड करता है ये. सो ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, दिस इज़ अ डुअल हेड माइक. सिंस हम लोग ग्रुप में राइड करते हैं, हम सेना यूज़ करते हैं, सो एक मेरे माउथ पीस के पास रहता है और एक मेरे ईयर पीस के पास रहता है. सो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड होता है, जो मेरे ग्रुप वाले कन्वर्सेशन कर रहे हैं हम राइड करते वक्त, वो भी उसमें रिकॉर्ड हो जाता है. सो दोस्तों चलिए अब हेलमेट लाते हैं एंड हेलमेट पे सेटअप करते हैं अपना ये गोप्रो को. सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंटरनली मैंने जो डुअल हेड माइक है उसको मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया एंड उसका जो बाहर वाला कनेक्टर है वो यहाँ झूल रहा है. सो हम पहले यहाँ पर फिक्स करेंगे हम लोग का ये कैमरा माउंट एंड उसके बाद हम गोप्रो माउंट्स उसमें फिक्स करेंगे. इतना ज़्यादा नोटिस भी नहीं हो रहा है कि कुछ माउंट जैसा लगा हुआ है, वेयर एज़ वो ब्लू कलर का या ऑरेंज कलर का स्ट्रैप लगाना वॉज अ बिग अनकम्फर्टेबल सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि वो पूरा ये वेंट को कवर कर लेता है. बट यहाँ पर आप देखिए वेंट भी फ्री है. सो इसको बोलते हैं एक जे माउंट. इसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कैमरे का एंगल आगे के और एंड पीछे के और सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. सो ये जे माउंट आपको ईजिली एक्शन कैमरे के साथ मिल जाता है या तो फिर आप अडिशनल भी अमेजोन से परचेज कर सकते हैं. सो दोस्तों अब जे माउंट भी लग चुका है एंड हेलमेट कुछ इस तरह का दिख रहा है. अब थोड़ा हेलमेट में एडिशनल कुछ लग रहा है, ऐसे एक हुक जैसा बाहर. सो दोस्तों नेक्स्ट सेटअप में हम डालने वाले हैं गोप्रो को इस केस के अंदर. सो ये केस को हम यहाँ पर इस तरह से खोल लेते हैं. कैमरा को माउंट करने का टाइम आ गया है हेलमेट में. नो डाउट गोप्रो हीरो 7 इससे साइज़ में काफ़ी छोटा है. ये हो गया आपका कैमरा इस पर माउंट. सो नेक्स्ट है दोस्तों, अब टाइम आ गया इसका अडेप्टर को इसके अंदर डालने का. आपको एक और चीज़ मैं बताना ही भूल गया, यू नीड दिस स्मॉल पिन. आपको ये अमेजोन पर अलग से भी मिल जाएगा. ये TRSS टू TRS कन्वर्टर है. ये सेटअप के बाद आपका जो मोटो ब्लॉगिंग वाला सेटअप है वो कंप्लीट खत्म होता है. आपको अब बता दूं इसका आउटपुट आपको कैसा दिखता है, ये आप अगले वाले क्लिप में देखिए. यहाँ पर मुझे एक और एडिशनल एक्सटेंशन क्लैंप लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं हेलमेट को नॉर्मल पोजिशन पे लाऊं तो ये ऐसे नीचे हो जा रहा है. आई एम सॉरी, मेरी बाइक थोड़ी गंदी है. आप देख सकते हैं ये जो फुटेज है ये GoPro Hero 9 का है एंड यहाँ पर मिरर में भी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो फ्रंट डिस्प्ले है वो भी काफ़ी क्लियर दिख रहा है. बैटरी का वाट लगने वाला है बुरी तरह से. आप हमेशा कोई भी व्लॉग करने से पहले या एक राइड पे जाने से पहले एक टेस्ट शॉट ले लीजिए. जैसे कि अब ये जो शॉट है ये समाओ मेरे लिए एक टेस्ट शॉट का काम करेगा. कमिंग वीक में कैलकटा राइड जब मैं जाऊँगा, फुटेज मुझे हेल्प करेगा मेरे GoPro का एंगल एडजस्ट करने में, मेरा ऑडियो का माइक प्लेसमेंट चेंज करने में. सो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके कोई दोस्त है जो कि मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट है एंड चाहते हैं मोटो ब्लॉगिंग करना, सो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए. आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा अच्छे से और कोई आपको समझा पाएगा. सिंपल दिखने वाला मोटो ब्लॉगर का हेलमेट भी अंदर से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो उस एफर्ट के लिए हर मोटो ब्लॉगर को प्रमोट कीजिए, हर मोटो ब्लॉगर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो अपना एक राइड जो जर्नी है वो आधा टाइम आप लोग को जर्नी दिखाने के चक्कर में इवन उनका भी एंजॉयमेंट कम हो जाता है. सो दोस्तों जितने भी आपके नॉन मोटो ब्लॉगर्स है प्लीज उनको प्रमोट कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए एंड
इस चैनल पे अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ एंड डू यूज हेलमेट। बाय बाय।